सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक होता है। तो चलिए देखते हैं ये एरे का मतलब क्या होता है, इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंटैक्स क्या है, इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले इसका नोट्स देखिए, यहाँ पे एरे इज़ अ वेरिएबल विच हेल्प अस टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। एरे एक तरह का वेरिएबल होता है जो कि क्या करता है, जो कि हमें बहुत सारी सेम टाइप की वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास पांच वैल्यू है, उनका टाइप सेम है, तो हम पांच अलग अलग वेरिएबल में उन्हें स्टोर करते थे। लेकिन आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू है, उनका टाइप सेम है, तो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर ना करने के बजाय हम एक सिंगल एरे वेरिएबल बनाएंगे और उसी में उन वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यही यूज़ होता है एरे का। इसमें एक कंडीशन होता है, वैल्यू का टाइप सेम होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल वैल्यू को एरे वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अभी देखो एरे काम कैसे करता है। एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। अगर मैं बोलूँ कि साइज फाइव का एरे बनाओ, साइज फाइव का आप एरे बनाओ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जीरो और एंडिंग पॉइंट होगा माइनस वन यानी फोर। तो जीरो से फोर में ही हो गया हमारा फाइव इंडेक्स। तो ये होता है एरे, ठीक है। अगर आप एरे का जीरो प्रिंट करेंगे तो ये जीरो पोजीशन का एलिमेंट टेन प्रिंट होगा, और इस तरह से हर एक इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होता है एरे के। तो देखो यहाँ पे सभी वैल्यू का टाइप सेम है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको एक एरे वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, द बेस इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट्स विद जीरो एंड एंड्स विद एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब साइज अगर फाइव होगा तो एन माइनस वन मतलब फोर में ही वो एंड हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे के बारे में, कितने टाइप्स का एरे होता है। पहला होता है वन डी एरे, सेकंड होता है टू डी एरे, जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी आप बोल सकते हैं। तो इन दोनों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, चलिए हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाते हैं। सी शार्प में एरे को इम्प्लीमेंट करने का, डिक्लेयर करने का दो ही मेथड होता है, 1D और 2D। तो चलिए अब हम 1D एरे का प्रैक्टिकल देखते हैं, जिसमें हम एक सिंपल एरे बना के उसके एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स। मैंने एक लाइन का भी कोड अभी नहीं लिखा है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो होगा हमारा खुद का लिखा हुआ कोड। तो अगर मान लो मेरे पास फाइव वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, 50, तो नॉर्मल अभी तक हम क्या करते थे, इन पांच वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में इस तरह से स्टोर करते थे, ठीक है। पांच वेरिएबल, पांच वैल्यू, इस तरीके से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। तो देखो जितना वैल्यू रहता था हम उतना वेरिएबल बनाते थे पहले, ठीक है, और इन सभी का टाइप सेम है। तो अब जब टाइप सेम है तो हम हज़ार वेरिएबल ना बना के एक सिंगल वेरिएबल ही क्यों ना बनाएं, बेस्ट रहेगा। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं एरे, ठीक है। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो इसको आपको करना क्या है, इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही अटैच करना है, फिर ये होगा आपका एरे वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर में वैल्यू रख दो। हो गया हमारा फाइव वैल्यू, सबका टाइप भी सेम है, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर भी हो गया। अब इनको प्रिंट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हम एरे में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का भी। एरे का टाइप इंट है, इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इंटीजर टाइप का एक लूप वेरिएबल बना लेते हैं हम आई, उसके बाद ए को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब हमारा एरे ए में जितना भी वैल्यू है वो एक एक करके आई में आ जाए। फॉर लूप, फॉर ईच लूप में हम यही बताना चाहते हैं। और जब एक एक करके आई में आता जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक एक करके उसको प्रिंट करते हुए भी चलेंगे। तो कंसोल डॉट राइट में आई को प्रिंट करेंगे, वैल्यू स्पेस में चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से हमने स्पेस भी सेट कर दिया। प्रोग्राम को रन करें और अगर आउटपुट हमें दिखा, इसका मतलब हमारा एरे का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट दिख रहा है, इसका मतलब एरे का ये प्रोग्राम रन कर गया है। समझा देते हैं, सभी वैल्यू का टाइप सेम है, मल्टीपल वैल्यू है, तो मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर ना करने के बजाय एक एरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फॉर ईच लूप के थ्रू बहुत ही आसानी से उसको प्रिंट कर लेंगे। अगर मान लो अलग अलग तरह का वैल्यू हम स्टोर कराएं, मान लो यहाँ पे 10.5 कर दिए और 20 के जगह पे यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू रख दिए,
और ये तीन इंटीजर ही है। तो अभी अलग अलग तरह का वैल्यू क्या हमारा एरे स्टोर करके हमें प्रिंट करके दे सकता है, देखते हैं रन करके। यहाँ पे देखो बहुत ही भयंकर एरर आ चुका है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, और एक डबल के लिए भी बोलेगा डबल टू इंट। मतलब आप अलग अलग तरह की वैल्यू को इस इंटीजर एरे के थ्रू कन्वर्ट करके प्रिंट नहीं कर सकते। सीशार्प टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब अगर टाइप मिसमैच हुआ तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो इस काम को आप नहीं कर सकते, अगर हम सिर्फ एक डबल वैल्यू ही रखें तो अभी डबल टू इंट बोलेगा। तो यहाँ पे देखो डबल टू इंट एरर बोल रहा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 1D एरे का प्रोग्राम, इसी को बोलते हैं 1D एरे। अब 2D एरे का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, चलिए उसको देखते हैं। इंटीजर टाइप का ही अगर मान लो हम बनाते हैं 2D एरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बीच में कॉमा, ठीक है। उसके बाद एरे वेरिएबल का नेम यही रहेगा, न्यू कीवर्ड से हम बना रहे हैं, मतलब एरे ऑब्जेक्ट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इंट 2 रो 2 कॉलम का हम बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लिखना है आपको भी, आपको भी लिखना है बिल्कुल ऐसे। यही होता है सीशार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में यानी रो कॉलम के फॉर्म में आप बिना 2D एरे के कर नहीं सकते। तो ये हो गया 2D एरे लिखने का तरीका यानी सिंटैक्स। अब नेस्टेड फॉर लूप की मदद से हम इसमें क्या करेंगे, रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप मैंने आपको बताया था ये होता है सिंटैक्स, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वही हो गया नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ही लूप वेरिएबल i बनाएंगे, वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 2 रो 2 कॉलम है, मतलब लेस देन 2, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस i। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे लूप वेरिएबल, ये भी 0 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी जाएगा लेस देन 2 तक, उसके बाद प्लस प्लस j। तो ये वाला जो लूप है ना, आउटर वाला फॉर लूप, वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज में हमारा एलिमेंट प्रिंट होगा, और ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में हमको एलिमेंट प्रिंट में मिलेगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद अभी वैल्यू इनपुट करने की बारी आई है। तो वैल्यू इनपुट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंसोल क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट यूज़ करते हैं, राइट लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे राइट का भी कोई काम नहीं है क्योंकि हम आउटपुट प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट के लिए जा रहे हैं अभी। तो जब भी इनपुट के लिए हम जाएंगे हम रीड लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर हम अपने एरे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने चले जाए, आई और जे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो इस एरे का टाइप क्या है, इसका टाइप है इंट, और ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हमें मिलेगा एरर। तो हमें करना क्या पड़ेगा, वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट मेथड होता है, ठीक है। 32 64, आपको जो यूज़ करना है करो, हम 64 ही यूज़ कर देते हैं। अब इस मेथड के अंदर आपको करना क्या है, इसको सेट कर देना है एज अ पैरामीटर, यहाँ पे पास कर देना है, सेमी कोलन को एंड में रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से, इतना भी दूर नहीं रखेंगे, बिल्कुल चिपका के रखेंगे। तो वैल्यू हमारा इनपुट हो चुका है, अब वैल्यू प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए भी सेम टेक्निक, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करेंगे और प्रिंट, लेकिन प्रिंट करते समय स्टेटमेंट चेंज होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा कंसोल डॉट राइट, और हम प्रिंट करेंगे एरे आई कॉमा जे, ठीक है। हमारा काम हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन करने जा रहे हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, एरर क्या आ रहा है, लॉन्ग टू इंट। अच्छा, ये जो मेथड यूज़ किया है ना, ये इंटीजर के रेंज से जब वैल्यू बाहर चला जाता है उस केस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो इंटीजर एरे में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 32-bit लिमिट तक ही वैल्यू में काम करेंगे, अभी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर के लिए 32, लॉन्ग के लिए 64, ठीक है। प्रोग्राम रन कर गया है, वैल्यू इनपुट करेंगे, हमने कोई मैसेज सेट नहीं किया इसलिए आपको पता ही नहीं चलता होगा कि वैल्यू डालना है।
तो यहाँ पे चार वैल्यू ही आएगा, दो रो दो कॉलम में प्रिंट होगा भी है। लेकिन यहाँ पे ये इतना घटिया फॉर्म में प्रिंट हुआ कि समझ में ही नहीं आ रहा था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैसेज यहाँ पे सेट करेंगे, हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिखते हैं एंटर एरे एलिमेंट्स। इस तरीके से ना आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को खूबसूरत बना सकते हैं जिससे आपको समझ में आए। और सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रिंट करते समय यूज़ करेंगे मैट्रिक्स एरे एलिमेंट। ठीक है, मैसेज चेंज कर दे रहे हैं। अब अगर प्रोग्राम को हम रन करें, ये इतना अंदर कैसे चला गया भाई। ठीक है, प्रोग्राम को अब हम रन कर रहे लेकिन एक लाइन में ही आउटपुट आता, तो हम नहीं चाहते एक लाइन में आए और वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो और एक लाइन में नहीं रो कॉलम के फॉर्मेट में प्रिंट हो। तो यहाँ पे न्यू लाइन का स्टेटमेंट हम लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, एक चीज भी गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है एंटर एरे एलिमेंट्स, इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा, हमें समझ में आ रहा कि वैल्यू इनपुट करने बोल रहा, तो कर देते हैं दो रो के लिए वैल्यू दो कॉलम के लिए। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स एरे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के साथ काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।